खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 31 दिसंबर 2021 है। साल की ये आखिरी सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को तो देखा, लेकिन आज साल की इस आखिरी सुबह में वो इस दुनिया में नहीं है। इस साल में वो अपने प्यारों से बिछड़ गए और खालिक हकीकी से जा मिले। अगर मैं और आप जिंदा हैं, तो ये खुदा की शुक्रगुजारी करने का वक्त है, जिंदगी की सारी नेमतों के लिए, सारी बरकात के लिए जो उसने हमें दी हैं, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा इस्तेमाल करने को और अपने जिस्म के तमाम अज़ा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और आपकी तवज्जो मैं उस तमसील की तरफ दिलाना चाहता हूं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के 13वें बाब में उसकी 6वीं आयत से, जिसका जिक्र हमें मिलता है, उस बेफल दरख्त जिसको बागबान तो काट डालना चाहता था क्योंकि वो फल नहीं ला रहा था, लेकिन माली वो बार बार इस बात के लिए कोशिश कर रहा था कि इसको मौका दिया जाए, इसको मौका दिया जाए। और जो 9वीं आयत है वो बहुत अहम और जरूरी और तवज्जो के लायक है, वो के सारा ही कलाम तवज्जो के लायक है, लेकिन 9वीं आयत बिलखसूस आज के इस दिन की मुनासबत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखा है, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। भाइयों और बहनों, हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं। जरूर है कि हम फलदार रूहानी जिंदगी बसर करें। शायद ये साल भी हमने लापरवाही में, सुस्ती में और खुदा से दूरी में गुजार दिया। हम गुनाह और बदी में मस्त रहे। हमने खुदा और उसकी नेमतों की कदर नहीं की। हमने उसकी शुक्रगुजारी नहीं की। जिस तौर से हमें उसकी इबादत करनी चाहिए हमने नहीं की। आइए नए साल के लिए अपने टारगेट सेट करें, क्योंकि जहां पर मोहलत मिली है वहां पर वार्निंग भी है। हमें होशियार और खबरदार होना है। और जरूर है कि एक नए अज़्म के साथ हम नए साल में दाखिल होने वाले हों, और इस पूरे दिन को जरूर इस सोच विचार के साथ बसर कीजिए, इस साल में हमने क्या किया है, कहां पर नाकाम हुए हैं, नाकामियों की वजूहात क्या हैं, और खास तौर पर अपने रूहानी मामलात को खुदा के साथ दुरुस्त कीजिए, फलदार रूहानी जिंदगी गुजार किए ताकि वो आपसे खुश हो। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी पिता, हम जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदा, हम आज सुबह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिंदगी के लिए, जिस्म के तमाम अज़ा के लिए, रोजगार के लिए, फैमिली के लिए, औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए, पासबानों के लिए। ऐ खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और आज ऐ खुदा, मैं अपने इन तमाम भाइयों और बहनों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। मिन्नत है खुदा, आने वाले साल के लिए हमें गोल सेट करने की तौफीक दे। हमारी मदद कर कि हम आने वाले साल के लिए अपने आप को बेहतर तौर पर तैयार कर सके। प्यारे खुदा, मैं दुआ करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, बिलखसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर, जो अपने प्यारों के बिछड़ जाने के सबब से गमजदा हैं खुदा उन्हें तसल्ली दे, क्योंकि तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा तू ही है। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें, कोई बात, कोई काम, कोई सोच ऐसी ना सोचें जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो, बल्कि जिन जिन से हम मिलते हैं हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में